भारत की राजधानी दिल्ली असंख्य विरासत संरचनाओं वाला शहर है, जहां के अतीत से हर कोई ज्यादा वाकिफ नहीं है। दिल्ली में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली के कनॉट प्लेस में जंतर मंतर के पास हेली रोड पर स्थित अग्रसेन की बावली। दिल्ली शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी, गाड़ियों के शोर और भीड़ भाड़ के बीच ये बावली कई सदियों से तमाम रहस्यों को समेटे हुए है। अग्रसेन की बावली ऐसी ही एक जगह है जो अपने अनसुलझे राज के लिए जाना जाता है। चलिए आज हम आपको इस एपिसोड में अग्रसेन की बावली से जुड़े हुए सभी रोचक व दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं, जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं पढ़े होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वीडियो दिल्ली अतीत की गलियारों से नामक वीडियो सीरीज का 6th एपिसोड है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। माना जाता है कि महाभारत काल में ही इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन बाद में अग्रवाल समाज के महाराजा अग्रसेन ने इसका जीर्णोद्धार कराया, जिसके बाद इसे अग्रसेन की बावली के नाम से जाना जाने लगा। अग्रसेन की बावली के बारे में कहा जाता है कि पुराने समय में इस बावली का निर्माण पानी बचाने के लिए किया गया था। आम बावलियों वृत्ताकार शेप में होती हैं, लेकिन यह एक चकोर है जिसमें 105 सीढ़ियां देखने को मिलती हैं। अग्रसेन की बावली न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और बावली के शांत वातावरण ने उन्हें आराम करने और बाहर भीषण गर्मी से बचाने के लिए स्थापित किया गया था। ये बावली 60 मीटर लंबी और जमीन पर 15 मीटर चौड़ी है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित रखा गया है। इस बावली के तमाम ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं, जो आज तक राज ही है। हालांकि कई लोग इसकी खूबसूरती के कारण भी यहां खींचे चले आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। देश की सबसे भयावह जगहों की सूची में इसका नाम भी शामिल है। एक समय में इस बावली में काला पानी भर गया था। ऊपर ऊपर से तो ये बावली लाल बलुए पत्थरों से बनी दीवारों के कारण बेहद सुंदर लगती है, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते जाते हैं, एक अजीब सी गहरी चुप्पी फैलने लगती और धीरे धीरे से आसमान गायब होने लगता है। एक 108 सीढ़ियों वाली यह बावली तब अधिक डरावनी लगती है जब आप नीचे कुएं के पास पहुंच जाते हैं और फिर आपको आसमान नहीं दिखता है। इसके साथ ही आपके सिर के ऊपर केवल चमगादड़ और कबूतरों मंडराते हुए नजर आते हैं। यहाँ चमगादड़ और कबूतरों ने अपना डेरा डाला हुआ है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। हर कोई व्यक्ति इस जगह के बारे में अपनी अलग अलग राय देता है। बावली के शून्य शांत वातावरण में पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच जब कबूतरों की गुटेगू और चमगादड़ों की चीखें और फड़फड़ाहट गूंजती है, तो बावली का माहौल पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। कई बार तो यहाँ आने वालों ने किसी अदृश्य साया को भी महसूस किया है। ऐसा कहा जाता है कि इस बावली के अंदर मौजूद काला पानी से लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे और वो सुसाइड कर लेते थे। हालांकि इस बात के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं और अब इस बावली के अंदर मौजूद कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली के कुएं के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था, जिससे रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो जाता था। ऐसी अफवाह है कि काला पानी लोगों को इसमें कूदने और अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता था।
जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यहाँ का पानी में सम्मोहन की शक्ति होती है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, खासकर उदास और परेशान लोग, उसे पानी अपनी तरफ आकर्षित करता था और अपने तरफ खींचा करता था। सूरज टहलने के बाद यहाँ आना खतरनाक है। पत्थर की दीवारों से गूंजती हुई चमगादड़ों की आवाज इस जगह को और डरावना बनाती है। अब इनमें कौन सी बात सच है, कौन सी नहीं, ये केवल रिसर्च से ही पता चलता है। आपको बता दें कि ये सब बातें बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के कई सदियों से फैली अफवाहें हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अब भी ऐसे बातों पर विश्वास करते हैं। आमिर खान की फिल्म पीके की शूटिंग के बाद प्रेमी जोड़ों और टूरिस्टों के बीच इस जगह खूब पसंद की जाने वाली जगह बन गई। अब यहां आने जाने वालों की अच्छी खासी संख्या है। बावली के पश्चिमी कोने में एक छोटी सी मस्जिद भी बनी है। यह मस्जिद देखने में काफी सुंदर है और बावली के अंदर मौजूद होने के कारण ये कई बार विवादों में भी घिर चुकी है। इस मस्जिद के स्तंभों में कुछ ऐसे विशेष लक्षण और रंग रूप उभरे हुए हैं जो बौद्ध काल की कुछ असाधारण संरचनाओं से मेल खाते हैं। इस मस्जिद के इतिहास के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और वीडियो के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।